Good morning and Jai Hind students. Once again, welcome to the online class of BST. Well, continuing with your chapter, that is chapter number 1, Evolution and Fundamentals of Business. Okay, so today we are going to start a new topic, that is Trading Communities or Merchant Classes. बेटा हमने इंटरमीडिएटरीज के बारे में पढ़ा, जैसे आफ्टर अ टाइम विलेजेस में बाज़ार और मंडीज इंट्रोड्यूस हो गए थे, राइट? और ईच मंडी सर्व्ड अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस, ये हमने पढ़ा. हमने जगत सेठ के बारे में पढ़ा, लोगों को किस तरह से जाना जाता था, इंटरमीडिएटरीज ने कितनी हेल्प की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, असेंबली चेन को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, आइदर इट इज़ डोमेस्टिक और इट इज़ इंटरनेशनल. फिर हमने देखा, अभी तक वी वर टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएटरीज, देन हमने ट्रांसपोर्ट भी देखा कि ट्रांसपोर्ट की कभी भी प्रॉब्लम नहीं रही. कोलंबस ने इंडिया को ढूंढते ढूंढते अमेरिका इन्वेंट कर दिया, ठीक है, अमेरिका की डिस्कवरी हो गई. सो दैट मीन्स जब हमारे पास बहुत कुछ था, हम लोग ट्रेड में इतने बढ़ने लगे थे आगे कि हम लोग पैसा लगाना सीख गए थे, किस तरीके से फाइनेंशियल यू नो सिक्योरिटी दे सकते हैं सो दैट ट्रेड इम्प्रूव करे. तो ट्रांसपोर्ट की अगर प्रॉब्लम होती तो भी इट विल बी अ इशू फॉर द इंडियंस एज वेल एज अदर कंट्रीज. ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज इवन वेरी गुड एट दैट टाइम, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एंशियंट पीरियड. ओके, सो लेट्स कम ऑन टू द अनदर टॉपिक, दैट इज ट्रेडिंग कम्युनिटीज और मर्चेंट क्लास. अभी हम इसमें यही पढ़ रहे हैं मर्चेंट्स के बारे में, व्यापारियों के बारे में. तो उनकी एक कम्युनिटीज़ हो जाती है, ठीक है. आपके यहाँ भी ऐसा होता है ना, कभी कोई जैसे लेट सपोज हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, सब जगह एक कम्युनिटी होती है, लोग खड़े हो जाते हैं, अगर किसी को कोई बात गलत लगती है तो एक कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है कि ऐसा हमारे अगेंस्ट कैसे बोल दिया. तो इसी तरह ऐसा नहीं था, देवर नंबर ऑफ मर्चेंट्स, बट उनकी कम्युनिटीज़ बनने लगी, उनके लोग इकट्ठे होने लगे, ठीक है. सो इन द मेडिवल पीरियड द पीपल इन द मिडिल क्लास दे बिलोंग टू मर्चेंट्स या प्रोफेशनल क्लासेस, जैसे वैद्य होते थे, हकीम होते थे जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर कहा जाता है जिन्हें, या किंग के ऑफिशियल्स होते थे. देखो ये काम होता था उन लोगों के पास, राइट? अच्छा, और मर्चेंट क्लासेस की अगर हम बात कर दें, जो लोग ट्रेड में व्यापार में खुद को इन्वॉल्व रखते थे, अगर हम उनकी बात करते हैं तो आई ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस विद यू, आइदर दे वर दी होलसेल ट्रेडर्स जो कि बल्क में सामान लाते थे, या रिटेल ट्रेडर जो बल्क में सामान लाकर उसको मार्केट तक पहुंचाते थे, सॉरी कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं. जैसे होलसेल ट्रेडर कौन हो गया, यही पेन मैं 5000 क्वांटिटी में लेकर आ गई फैक्ट्री से उठा के, सो आई एम द होलसेलर ऑफ दिस पर्टिकुलर पेन. रिटेलर, पीपल केम टू मी, कोई जिन्होंने अपनी छोटी छोटी दुकानें खोली हुई हैं बाहर मार्केट में और शॉप्स खोली हुई हैं, तो वो कोई मुझसे 50 पेन लेकर गया, आपने अपने बजट के हिसाब से कोई मुझसे 100 पेन लेकर गया, दे वर दी रिटेलर्स. ओके, एंड दी होलसेलर को कहा जाता था सेठ या बोहरा, और रिटेलर्स को कहा जाता था व्यापारीज या बानिक्स. ओके, डिफरेंट कम्युनिटीज ट्रेडेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. अभी कम्युनिटीज जो दल होता था इन लोगों का, ट्रेडर्स का, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज में काम करते थे, हर जगह के लिए काम करते थे. लाइक पंजाबी एंड मुल्तानी ट्रेडर्स कंट्रोल करते थे नदर्न इंडिया का बिजनेस, ठीक है. भट्स कंट्रोल करते थे गुजरात और राजस्थान का बिजनेस. महाजन ट्रेड करते थे वेस्टर्न इंडिया के साथ, और महाजन की कम्युनिटी कलेक्टिवली रिप्रेजेंट की जाती थी बाय देयर चीफ, जिन्हें कहा जाता था नगर सेठ, नगर के सेठ, जो महाजन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके चीफ कहलाते थे. साउथ इंडिया में हमने पहले भी पढ़ा है, छेट्टीज ने अपना पूरा नाम किया हुआ था, मैजिक ट्रेडिंग क्लास था उनका, राइट. देवर स्पेशल क्लास ऑल्सो विच वॉज नोन एज बंजाराज, बंजारा नाम से ही हमें ये समझ में आता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, ट्रेवलिंग ट्रेडर्स कहते हैं जिन्हें. बंजाराज एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे विद 100 ऑफ ऑक्सन लेडन, बैल के साथ, अपना खाना, घी, नमक, अदर डेली यूज स्टफ कैरी करके रखते थे साथ में. आगे फिर श्रॉफ्स वर स्पेशलाइज्ड इन चेंजिंग मनी, डिपॉजिट्स कर पैसा जमा करते थे लोगों का लेकर, और लेंड करते थे मनी जिन्हें ज़रूरत होती थी.
साथ ही में यूनिट्स इशू करते थे जो कि ट्रांसमिटिंग होती है एक जगह से दूसरे जगह पर के लिए, राइट। ये काम कौन करते थे? श्रॉफ्स। ये आप, अब यू ऑल आर दी कॉमर्स स्टूडेंट्स, ये आप मर्चेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो, ट्रेडर्स, व्यापारियों के बारे में पढ़ रहे हो, किस तरह से किनको क्या कहा जाता है, किसने कहाँ पर कौन से पार्ट में इंडिया के काम संभाला था एंशियंट टाइम पे, ठीक है। द ट्रेडिंग कम्युनिटी भी वॉज कंसिडरेबली लार्ज इन नंबर। ट्रेडिंग कम्युनिटी बहुत बड़ी थी क्योंकि काम ही सिर्फ मर्चेंट्स का था, ट्रेडर्स का था, ठीक है। तो देवर सम ऑफ देम वर वेरी रिचेस्ट मर्चेंट इन द वर्ल्ड, ओके। फॉर एग्जाम्पल वीरजी वोहरा had a large fleet of ships, उनके पास, he had a large fleet of ships and उन्होंने पूरे सूरत पर कब्जा किया हुआ था, डोमिनेंसी थी उनकी सूरत पर। मलाया चेटी, उन्होंने कोरामंडल कोस्ट पूरा डोमिनेट किया हुआ था, वहाँ पर पूरा राज उनका चलता था। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स लिव्ड इन लॉफ्टी हाउसेज, एकदम सॉलिड हाउसेज में रहते थे वो लोग, जिनमें कलरफुल टाइल्स होती थी, अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे सर्वेंट्स होते थे, अगर वो बाहर निकलते थे तो उनके साथ उनके फ्लैग्स और बैनर्स लेकर वो लोग घूमते थे, राइट। सो किसका काम उस टाइम पे? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत के पास स्पाइसेस थे, डाई थी, भारत के पास हर तरह का रॉ मटेरियल था, अच्छे आर्टिशंस थे, तो बाहर के लोगों को हम अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। अब अट्रैक्ट करेंगे तो वो अपने देश में, हमारे देश से सामान पहुंचाएंगे, जो हमारे देश में है वो हमारे देश में भी ट्रेडिंग करेंगे। वो किन किन नाम से करते थे? भट्स, मुल्तानीज, महाजन्स, बंजारास, छेटीस, राइट। होप द कम्युनिटी इज क्लियर टू यू। नाउ कम्स द मर्चेंट कॉरपोरेशंस। मर्चेंट कॉरपोरेशंस में क्या था बेटा? मर्चेंट और ट्रेडिंग कम्युनिटी जो थी हमारी, उनके पास अल्टीमेट पावर होती थी एंड प्रेस्टीज, नेम फेम होता था उनका, उनके पास फ्रॉम मर्चेंट गिल्ड्स, मतलब वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ गुड्स के साथ डील करते थे, स्पाइसेस, गारमेंट्स, हाँ, नंबर ऑफ गुड्स के साथ वो डील करते थे, कैटेगरी ऑफ गुड्स के साथ वो डील करते थे। देवर ऑर्गेनाइज्ड एज कॉरपोरेशंस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मर्चेंट्स। उन लोगों ने कॉरपोरेशंस बनाई मर्चेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो किसी भी व्यापारी को आज भी कुछ हो जाता है तो सारे के सारे व्यापारी एक साथ मिलकर हड़ताल कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, इसी तरह पहले होता था, ठीक है। हर मर्चेंट के अपने रूल्स ऑफ मेंबरशिप होता था, हर का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता था, जैसे आपके स्कूल का है, आपको आना है अर्ली इन द मॉर्निंग, यू हैव टू पुट योर बैग इन द क्लासरूम एंड मूव टू द असेंबली ग्राउंड, सब जगह का अलग कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, ऐसे ही उन लोगों का अपना रूल ऑफ मेंबरशिप होती थी और अपना प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता था। ये सारी जो गिल्ड्स होती हैं, जिन्हें गिल्ड्स कहते हैं, मतलब जो डील करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के साथ, वो किंग्स उनको बहुत अच्छे से जानते थे, राइट। क्योंकि ट्रेड से बहुत पैसा मिलता था राजाओं को और सरकार को। ऑक्ट्रॉय और कस्टम ड्यूटीज, आपको पता ना बाहर से सामान लाते तो कस्टम ड्यूटी लगती है उसमें, ऑन इम्पोर्ट गुड्स वेरीड फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंस से प्रोविंस, मतलब अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं बाहर से कुछ सामान ला रहे हैं तो उस पर टैक्स लगता था, जैसे कस्टम ड्यूटी या ऑक्ट्रॉय नाम से वो टैक्स लगता था, ठीक है, डिपेंड करता था हम क्या सामान ला रहे हैं। फेरी टैक्स चार्ज किया जाता था उन पैसेंजर्स से जो सामान लेकर आते हैं या गुड्स पे या कैटल्स पे, ठीक है। सो टैक्स इम्पोज किए जाने लगे क्योंकि पता लगा ट्रेडिंग का काम इतना फैल रहा है तो लोग ऐसे कैसे आराम से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, तो उन्हें अगर वो बाहर से कुछ सामान हमारे देश में आ रहा है तो दे हैव टू पे सम टैक्स, काइंड ऑफ ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी या फेरी टैक्स, कुछ उस पर टैक्स, कुछ परसेंटेज, जैसे आज तो आपको पता होगा ना टैक्स, आप कुछ परसेंटेज टैक्स गवर्नमेंट को देते हो अपनी इनकम का, फिर गवर्नमेंट उसी से आपके लिए आपकी कंट्री का डेवलपमेंट करती है, तो इसी तरह उस टाइम पे तो प्रोविंसेस होते थे, राजा महाराजा इस तरह के टैक्सेस चार्ज करते थे। द चीफ ऑफ द मर्चेंट कॉरपोरेशन और गिल्ड नेगोशिएटेड विद द किंग, जो चीफ होते थे मर्चेंट कॉरपोरेशंस के, वो किंग्स के साथ जबकि नेगोशिएट कर लेते थे टैक्स में कि भाई थोड़ा बहुत टैक्स कम कर दो, हम इतना टैक्स नहीं दे पाएंगे, या थोड़ा डिस्काउंट दे दो, ठीक है। चीफ जो कि क्या कहलाते हैं, नगर सेठ, एक चीफ ज़रूर होता है कम्युनिटी का, ठीक है। और जो मर्चेंट गिल्ड्स होते थे, ये मर्चेंट गिल्ड्स
those who were the richest people, those who deals in various category of goods, ये लोग बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहते थे, जैसे सोशो रिलीजियस एक्टिविटीज़, या कहीं बिल्डिंग हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है रिलीजियस प्लेसेस की वहाँ पर, ठीक है, कम्युनिटी हॉल बन रहा है, ट्रेवलर्स के लिए रेस्ट रूम बन रहे हैं, तो इनके पास पैसा होता था, ये लोग थोड़े सामाजिक भी हो जाते थे, ठीक है. ऑल राइट, नाउ कम्स द अनदर टॉपिक, दैट इज मेजर ट्रेड सेंटर. ट्रेड सेंटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अब. द राइज ऑफ मर्चेंट और ट्रेडिंग कम्युनिटी, जैसे जैसे मर्चेंट और ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ बढ़ते गए, ऐसे ऐसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता गया, जिससे बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स खुलते चले गए. जहाँ से व्यापार होता है वो जगह को बोलते हैं ट्रेड सेंटर्स, खुलते चले गए. ट्रेड सेंटर्स के अलावा पोर्ट टाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ सामान बनता है, टाउन्स, पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थल, ठीक है, ये सब भी इमर्ज होने शुरू हुए. दे फर्दर स्टिम्युलेटेड द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज, से इंडस्ट्रीज बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, कॉमर्स बढ़ा. तो एंशियंट इंडिया में ये सब ट्रेडिंग सेंटर्स थे. जैसे हम कुछ पढ़ते हैं, फ्यू ऑफ फ्रॉम दीज वी कैन रीड, लाइक पटना में पाटलिपुत्र, ये बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था. स्टोन्स एक्सपोर्ट किए जाते थे यहाँ पर, ओके. देन कम्स तक्षशिला. इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के बीच में बहुत मेजर सेंटर था ऑन इम्पॉर्टेंट लैंड रूट, ओके. इसे बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग भी कहा जाता था. तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत फेमस थी. इंद्रप्रस्थ, ये कॉमर्शियल जंक्शन कहलाता था, जिसकी ज़्यादातर रूट्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में कन्वर्ज होती थी. मथुरा, इट इज़ बोथ अ ट्रेडिंग सेंटर एज वेल एज रिलीजियस सेंटर. लोगों ने हर चीज़ पर ध्यान देना शुरू किया ना. अभी मैंने बताया पिलग्रिमेज, वो लोग तीर्थ यात्रा करते थे, तीर्थ स्थल बनवाते थे, जो बाहर से हमारे यहाँ ट्रेवलर्स आते थे उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट करते थे. लोग इन चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए. वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची, मथुरा, ब्रॉच, कावेरीपट्टा, तमारालीपति, पेशावर, ओके. सो आई गिव यू अ कैप्चर ऑफ दिस, आप इसे पढ़ेंगे, यू हैव टू रीड इट बाय योरसेल्फ. दीज आर द ट्रेडिंग सेंटर इन एंशियंट इंडिया, ऑफ एंशियंट इंडिया, ओके. यस, नाउ कम्स ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद की ग्रोथ के बारे में हम पढ़ते हैं. सो देयर हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस ग्रोथ इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड टर्शरी सेक्टर्स. इंडस्ट्रीज, जब ट्रेड व्यापार बढ़ेगा तो इंडस्ट्री बढ़ेगी. अभी हमने ऊपर ये लाइन पढ़ी थी ना, दे फर्दर स्टिम्युलेटेड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स. इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, राइट, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई, टर्शरी सेक्टर्स में ग्रोथ हुई, ट्रांसपोर्ट में ग्रोथ हुई, सर्विसेज में ग्रोथ हुई. प्राइमरी नाम दिया, अगर आपने पढ़ा है ना, फ्यू ऑफ यू मस्ट हैव रेड दी थ्री सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. ये सब इम्प्रूव हुए इंडिपेंडेंस से. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा बूस्ट दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन को, क्योंकि उन्होंने पब्लिक, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट सेक्टर ही सारा इनिशिएटिव लेती थी, वही सारे काम में इन्वॉल्व रहती थी, राइट. सो गवर्नमेंट सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर को ये छूट दी कि आप आगे बढ़ो, आप भी काम लेकर आओ इंडिया में, भारत में, जिससे हमारा कंट्री ग्रोथ करेगा, ठीक है. अदरवाइज़ पहले ये परमिशन नहीं थी कि हम कोई भी अपना बिजनेस खोल के बैठ जाए, राइट, ओके, ओके. सो उन्हें परमिशन दी गई. सो दे दीज इंक्लूडेड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, हैवी इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेस, एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैसेस. ये ज़्यादातर ये चीज़ें पहले पब्लिक सेक्टर देखा करते थे, पर जब उन्होंने परमिशन दे दी तो जिनके पास पैसा होता है, एनीबडी कैन कम एंड टेक इनिशिएटिव फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, फॉर रिफाइनिंग ऑफ फ्यूल ऑयल, कैपिटल गुड्स,
इंडस्ट्रीज़, ओके, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, इन सब चीज़ों में लोग आगे आने लगे, इनिशिएटिव लेकर अपना अपना पैसा लगाने लगे, जिससे एक बूस्ट आया और भारत की इकोनॉमी बढ़ने लगी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ने लगी। गवर्नमेंट ने बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये एंटरप्राइजेस भी खोले एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ताकि इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ हो सके। प्राइवेट सेक्टर अब कहीं भी पीछे नहीं रहा था। मैं फिर बताती हूँ बेटा आपको, जैसे कि पहले क्या होता था, सिर्फ पब्लिक एंटरप्राइजेस के पास, पब्लिक सेक्टर के पास ही ये सारे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउड नहीं था कुछ फील्ड्स में छोड़कर। अब पब्लिक सेक्टर ने देखा, गवर्नमेंट ने देखा कि जब तक लोग निकल कर नहीं आएंगे, हम प्राइवेट को छूट नहीं देंगे काम करने की, तब तक हाउ कैन वी रेज दी इकोनॉमी ऑफ आर कंट्री। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस लगानी शुरू कर दी। जिनके पास पैसा था वो तो सब आएंगे, अब प्रॉफिट मिल रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, तो जैसे कॉटन और सिंथेटिक फाइबर्स में डील करना शुरू किया, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स में, रेडीमेड गारमेंट्स, ड्रग्स एंड मेडिसिन, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स जो कि डेली इस्तेमाल होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स, एयर कंडीशनर्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एट्सेट्रा। ओके, सो उसके बाद कुछ ग्रोथ हुई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर देखा गया, रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंडस्ट्रीज इन दी प्राइवेट सेक्टर, ये सब भी प्राइवेट सेक्टर का पार्ट हो गया। तो इन सब चीज़ों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई, दैट मीन्स फैल गए सब जगह। पहले जहाँ गवर्नमेंट का काम होता था सिर्फ चीज़ों को देखना, जब गवर्नमेंट ने ये परमिशन दी कि प्राइवेट सेक्टर भी अब इन चीज़ों को में इन्वॉल्व हो सकता है, अपना पैसा लगा सकता है, तो सारे के सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती चली गई, और अल्टीमेटली किसकी ग्रोथ होती चली गई, हमारी कंट्री की। एंड इंडिया केम आउट विद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991, ये हमने 10th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ा है आप सबने, राइट? व्हाट इज़ इन दिस? आपने लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पढ़ा होगा इसमें। इट पेव्ड टू वे फॉर लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब लिबरलाइजेशन, किसी तरह का कोई बैरियर नहीं था ट्रेड के लिए, कोई भी बाहर से किसी भी, एवरीबडी आर ओपन टू हैव ट्रेड विद दी कंट्री, वन कंट्री और अनदर कंट्री। ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन, एकता, बाहर की कंट्रीज से भी सबसे मेल करके रखना, इंटीग्रेटेड कंट्री। ओके, रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव बीन रिमूव्ड। पहले हम फॉरेन टेक्नोलॉजी को नहीं यूज़ कर सकते थे, फॉरेन में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, वो रिमूव कर दिया गया रेस्ट्रिक्शन, और प्रोसीजर उसका बहुत सिंपल कर दिया गया, फॉर द स्मूथ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया, ताकि भारत में स्मूथली ग्रोथ और एक्सपेंशन हो सके इंडस्ट्रीज का। अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, दैट अर्लियर वी वर नॉट अलाउड टू हैव बेनिफिट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, उस पर रेस्ट्रिक्शंस थे, वो रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिए। लेट्स सपोज आपके पास कुछ बहुत अच्छा है जो आई कैन लर्न फ्रॉम यू, आई डू हैव समथिंग वेरी गुड जो आप मुझसे सीख सकते हैं, अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं सीखूँगी तो मेरी नॉलेज एनहेंस होगी, आप इंटरेस्टेड हो जो मेरे पास है आप सीखोगे तो आपकी नॉलेज एनहेंस होगी, कुछ मिलेगा। यही चीज़ हुई जब हमने फॉरेन टेक्नोलॉजी यूज़ की या बाहर पैसा लगाना शुरू किया, हमें उससे प्रॉफिट होना शुरू हुआ, राइट? एंड बिकॉज ऑफ द लिबरल गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हिंड्रेंसेस थे ना, प्राइवेट एंटरप्राइज बेचारे बाउंड थे, प्राइवेट एंटरप्राइजेस बाहर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते थे, तो उनके साथ प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम सब रिमूव हो गया। बहुत सारी इंडियन एंटरप्राइजेज आई और उन लोगों ने हेल्प किया एक भारत की इकोनॉमी को रेज करने के लिए, आपकी कंट्री की इकोनॉमी को रेज करने के लिए। ओके, इन द रीसेंट ईयर्स the government has taken several initiatives for enhancing the ease of doing business. अब कुछ सालों में आप देख रहे हो कि government digital India पे बहुत जोर है, भारत government initiative ले रही है ease of doing business, business को कितना आसान किया जाए, e-commerce use किया जाए ताकि हर sector में improvement हो। इसी तरह बहुत सारे initiative लिए जा रहे हैं, make in India, skills India, digital India, good and service tax etc. so that हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और लोगों की इनकम बढ़ सके। वो बात अलग है, COVID-19 के चलते अब बहुत सारे बिजनेसेस रुक गए हैं, इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो गई है तो लेबर नहीं है, दिस इज़ अ डिफरेंट कंडीशन।
which we have to face all together. But otherwise, the government has taken number of initiatives for enhancing the ease of doing business. तभी तो पैसा आएगा, तभी तो भारत देश की इकोनॉमी रेज होगी, तभी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, राइट? तभी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी. ऑल राइट, ओके. आई थॉट द वीडियो हैज स्टॉप बट स्टिल रनिंग. लेट्स कवर वन मोर टॉपिक, दैट इज मेजर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स इन द एंशियंट इंडिया. अब हम बात करेंगे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की. एंशियंट इंडिया में की बात अगर हम करते हैं तो उस टाइम हमें क्या चीज़ इम्पोर्ट करते थे? हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स एंड लिनन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, कॉरल, ग्लास, एम्बर एट्सेट्रा. और एक्सपोर्ट क्या करते थे? जिसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी, दैट वाज ब्लैक पेपर, स्पाइसेस, व्हीट, शुगर, इंडिगो वाज अ काइंड ऑफ डाई, कॉटन, लाइव एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक उनकी स्किन, फ्यूज, हॉर्न्स, पर्ल्स, सेफायर्स जो कि प्रीशियस स्टोन्स होते थे. ओके, ये हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स हैं. प्री इंडिपेंडेंस एरा की अगर हम बात करें पहले की, तो डच और इंग्लैंड मर्चेंट्स भारत में आ गए थे 17th सेंचुरी में. डच ने अपना सेटअप कर लिया था पूरा माचिलीपट्टनम में और डोमिनेट कर लिया था स्पाइस का ट्रेड, जबकि मिर्च मसाले हमारे थे, लेकिन डच के मर्चेंट्स ने वो सब डोमिनेट कर लिया था, कब्जा लिया था. उन्होंने अपना ऑपरेशंस को एक्सपेंड किया कोरोमंडल कॉस्ट से और फॉर द ट्रेडिंग ऑफ क्लोथ ऑफ फाइन क्वालिटी, वो भी हमारे यहाँ से लिया गया. जैसे डच ने किया ऐसे इंग्लिश मर्चेंट्स भी एंगेज हुए, वो लोग बहुत अट्रैक्ट हुए हमारे यहाँ के स्पाइसेस से, स्पाइस ट्रेड उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा. बाद में उन लोगों ने अपनी सूरत में ही फैक्ट्री खोल ली मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की, कपड़े मैन्युफैक्चरिंग, हमारे यहाँ से फैब्रिक लेके यहीं पर कपड़े मैन्युफैक्चर करके, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करके और हमें ही सेल आउट करते थे, है ना. उसके बाद एक्सपोर्ट होने लगा क्लोथ का कोरोमंडल कॉस्ट से और सूरत से, जो कि बेस था इंडियन फॉरेन ट्रेड का. ओके, ये बात इंडियन टेक्सटाइल को बिल्कुल समझ में नहीं आई, रेज मतलब वो गुस्सा हो गए, दे वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड. उसके बाद इंडियन टेक्सटाइल ने डिक्लाइन कर दिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और फिनिश गुड में इसको कन्वर्ट करके हमें ही सेल आउट करते थे. सब सामान हमारा होता था, हम लोग धीरे धीरे, हमें नहीं पता चल रहा था कि हमारा ये ट्रेड हमारे हाथों से छूटता जा रहा है. इंग्लिश मर्चेंट्स ने स्टार्ट कर दिया था एक्सपोर्ट करना हमारे यहाँ से रॉ कॉटन और अदर रॉ मटेरियल्स, और वहाँ जाकर फैक्ट्रीज इंग्लैंड में सेटअप कर ली थी और इम्पोर्ट करते थे वहाँ से बनाकर फिनिश गुड्स इंडिया में. तो मतलब इंडिया लिटरली एक्सपोर्ट सेंटर बन गया था एक्सपोर्ट का रॉ मटेरियल के, और वही रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड आता था उसके हम इम्पोर्टर बन गए थे, जो कि हमारे ही गुड्स थे, राइट? तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है बेटा कहीं ना कहीं 9th-10th में इकोनॉमिक्स में, राइट? SST में भी पढ़ा है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि इसमें फोकस हो रहा है बिजनेस से रिलेटेड एंड यू ऑल आर द कॉमर्स स्टूडेंट्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो कि ट्रेड और कॉमर्स में क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, कैसे कैसे ग्रोथ हुई है हमारी कंट्री में, ठीक है? किस तरह से हम एंशियंट टाइम से आज के टाइम पर पहुँचे हैं. जैसे अभी आई हैव टोल्ड यू कि आज तो गवर्नमेंट ने इतने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल्स इंडिया, डिजिटल इंडिया, गुड एंड सर्विस टैक्स, लिबरलाइजेशन हो गया है, मतलब रिमूवल ऑफ किसी भी तरह का बैरियर नहीं होगा ट्रेड में, ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन रहेगा कंट्रीज़ के बीच में, एकता रहेगी, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो गए हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो गए हैं, राइट? सो दिस वॉज अबाउट इट. दिस न्यू टॉपिक विल डिस्कस टुमारो इन टुमारोज लेक्चर. बाय द टाइम यू ऑल आर सपोज टू कंप्लीट योर नोट्स अप टू हियर, जिसने नहीं परचेज किया है बेटा काइंडली परचेज अ नोटबुक and start preparing notes. Notes mein start writing down the important points which you found very interesting. Okay? Start writing important points which you find the interesting points. Okay? Toh wo aapke mind mein hamesha imbibe karenge.
That's it for today. Have a great learning.